सितारगंज के ग्रामीण क्षेत्रों से आए किसान नवीन मंडी स्थल में एक दिवसीय धरने पर बैठे। इस दौरान उन्होंने खोदे गए तालाबों में हुई अनियमितताओं की जांच करने की मांग की है, जिसकी गहराई 20 से 25 फीट है, जो मानक के विरुद्ध कार्य किया गया है। साथ ही आरोप है कि खोदी गई मिट्टी अवैध रूप से बेची है। साथ ही उपजिलाधिकारी तुषार सैनी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। सितारगंज से संवाददाता जफर अंसारी की रिपोर्ट। तालाबों की खुदाई किए जाने के संबंध में लिखते हैं, तालाबों से निकाली गई मिट्टी नीलामी किए जाने पर राजस्व की प्राप्ति होगी, अतिक्रमण को शीघ्र हटाने से सहायता मिलेगी। ये इन्होंने इनसे परमिशन मांगी और जिलाधिकारी महोदय ने इनको परमिशन दी और उस आधार पर इन्होंने कार्य किया। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने मिट्टी उठाई और किसी पर भी ये दिखने को ये तैयार नहीं है वहां से कितनी मिट्टी निकली, कितनी घन मीटर निकली, उसकी रॉयल्टी किस कोष में इन्होंने जमा की है, उसके जांच के संबंध में भी हमारा ये कहना है कि उसकी भी जांच होनी चाहिए।